गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इस नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे कुछ बची हुई टर्मिनोलॉजीज जो कि है काउंट्राइन्स। काउंट्राइन के अलावा मैं बोलूँ कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी तक अपन ने लिगेंड पढ़ लिया, सेंट्रल मेटअप पढ़ लिया। लिगेंड इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो हेडिंग डालेंगे काउंटर आयन। देखिए काउंटर आयन किसको बोलते हैं, एक ऐसा आयन कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक ऐसा आयन विच एकम्पनीज टू द आयनिक कंपाउंड इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। कि वो काउंटर आयन क्यों प्रेजेंट होता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर या किसी भी सॉल्ट के अंदर। काउंटर आयन किसको बोला जाता है, एक ऐसा आयन जो ओवरऑल कंपाउंड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, ऐसे आयन को बोला जाता है काउंटर आयन। मेरी बात समझ आई? तो डेफिनेशन लिखेंगे, द आयनिक स्पीसीज विच एकम्पनी टू आयनिक कंपाउंड इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल ट्रिलिटी। मैंने क्या बोला, ऐसी आयनिक स्पीसीज काउंटर आयन बोलते हैं, द आयनिक स्पीसीज विच एकम्पनी जो साथ दे रही है टू द आयनिक कंपाउंड इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है हमेशा काउंटर आयन। और मैं एग्जांपल देके बताता हूं आपको, एग्जांपल समझिए। अगर कोई कोऑर्डिनेशन स्पेयर है ये Na4FeCN6, ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर दिस इज काउंटर आयन। और ये कोई पूछे तो ये क्या है, ये तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर अपन बोलते ही हैं। अगर आपको कोई पूछे कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है तो बोल देना, द स्पीसीज विच ऑलवेज रिटन इन द स्क्वायर ब्रैकेट, द स्पीसीज विच डू नॉट फर्दर डीकम्पोज इन टू द आयंस। वो भी अपन अदरवाइज सेपरेटली कर लेंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर को टर्मिनोलॉजी के रूप में। ये हुआ। और इसके ये कौन सा काउंटर आयन है, पॉजिटिव काउंटर आयन। और एग्जांपल देखिए इसका, CuNH3 का होल 4 और यहां पे मैंने जोड़ दिया SO4। यहां कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। तो ये सल्फेट This is acting as काउंटर आयन। मेरी बात समझ आई? ये काउंटर आयन इसमें ही, ये ऐसी स्पीसीज होती हैं जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करती हैं। देखिए कैसे जस्टिफाई कर रहा है इस डेफिनेशन को, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कैसे मेंटेन करता है। अगर सपोज मैंने ये हटा दिया तो ये स्पीसीज के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। 4 सोडियम प्लस के 4 निकल गए तो यहां कितना आ जाएगा, 4-। इस 4- को ये न्यूट्रलिटी को ही तो मेंटेन करके रखा था, 4 सोडियम जोड़ के रखे थे। तो ये हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है।
ये बात याद रखेंगे। इसी तरीके से इसके अंदर ये इसको कौन सा चार्ज देगा, प्लस टू चार्ज। कॉपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्लस टू। ये इसको माइनस चार दिया और ये इसको प्लस चार्ज देगा। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, ये काउंटर आयन रखे जाते हैं। और हमेशा काउंटर आयन के साथ ही कोई सोल्ट प्रेजेंट होता है, एल्स वो अकेला कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कभी भी पॉजिटिव चार्ज, या मैं बोलूं पॉजिटिव या नेगेटिव, या मैं बोलूं चार्ज स्पीसीज कभी एग्जिस्ट करती है क्या? ना। आप NaCl में से आप बोलेंगे मार्केट के अंदर Cl- दे दो, या मेरे को Na+ दे दो, मार्केट से खरीदने जाएंगे, दे देगा क्या कोई? वो तो NaCl ही मिलेगा, नमक ही मिलेगा आपको। कभी भी एक आयन आप खरीद के नहीं ला सकते। एक आयन कैसे एग्जिस्ट करेगा, नहीं कर सकता ना, उसको कोई ना कोई काउंटर आयन तो चाहिए ना। आया बात समझ? ये होता है काउंटर आयन। अब हेडिंग डालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कोऑर्डिनेशन नंबर, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि एक ऐसा नंबर या मेटल का एक ऐसा प्रॉपर्टी, सेंट्रल मेटल का एक ऐसा प्रॉपर्टी या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विच इज अटैच्ड बाय अटैच्ड विद द मेटल। एक चीज करेक्ट करना, मैंने आपको बहुत दिन पहले एक चीज बताया था कि ये मेटल है, इस मेटल से यहाँ पे लिगेंड जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे नंबर होता है, और इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर यहाँ पे मैं M' मान लेता हूँ, और दूसरा कोई मेटल होता है, तो इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर। ये एक्चुअली एग्जैक्टली कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो भी सकता है और नहीं भी। इट कैन बी एक्टिंग एज ए कोऑर्डिनेशन नंबर और नॉट, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। तो यहां पे आपको ये लिखना है कि बहुत ही ज्यादा करेक्ट ये लिखना है कि दिस एन इज इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ लाइगेंड, ये ज्यादा बेटर रहेगा। और नंबर ऑफ लाइगेंड कैन बी इंडिकेटिंग, इट मे और मे नॉट बी इंडिकेटिंग दैट कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोई बाइडेंटेड लिगेंड है तो एक ही लिगेंड हमेशा कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, दो। और अगर मैं यहां पे क्लोरीन लिख देता हूं, क्लोरीन की यहां पे लिख देता हूं दो, तो क्लोरीन कितना है यहां पे, या फिर मैं लिख देता हूं कोई भी अमोनिया लिख देता हूं ब्रेकेट के अंदर, और यहां तो अमोनिया कितने अमोनिया, ये अमोनिया कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, एक अमोनिया एक बनाता है, तो दो अमोनिया दो। ये दो ही अमोनिया लिगेंड है और दो ही कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज एक्टिंग एज ए कोऑर्डिनेशन नंबर एज वेल एज नंबर ऑफ लिगेंड। बट कभी कभी वो करे कोऑर्डिनेशन नंबर का काम और ना, वो डिपेंड करता है उस लिगेंड की डेंटिसिटी के ऊपर। ये बात याद रखेंगे मेरी, उस टाइम मैंने आपको बताया था एन इज इंडिकेटिंग दैट कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको बहुत ज्यादा करेक्ट करने के लिए लिखना है नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड कैन बी द कोऑर्डिनेशन नंबर और नॉट। आया बात समझ? तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, सबसे पहले अपन लिखेंगे द नंबर ऑफ The number of coordinate bonds formed between metal and ligand coordination number। और सेकंड पॉइंट में लिख लेना, कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा मेटल के ही यूज किया जाता है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, वेयर एज डेंटिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड। तो दोनों में फर्क है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये पॉइंट लिखना आप। जबकि
डेंटिसिटी किसकी प्रॉपर्टी है? लिगेंड की, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे लिख लेना वेहरेज करके, यहीं पे वेहरेज डेंटिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइगेंड। बात को समझना, और कोऑर्डिनेशन नंबर रियल में होता क्या? द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड इन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। आए बात समझे हर किसी। अब अगर एग्जांपल दे दूं, मैं एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल इधर लिखना के फोर एफ ई सी एन सिक्स, जो अभी लिखा था, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? सिक्स। ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों? क्योंकि ये CN क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड है। एक CN हमेशा एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है एक मेटल के साथ। तो ये CN कितने CN है? टोटल 6। तो 6 CN कितने बॉन्ड बनाएंगे? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफ ई ऐसे लिख लेना, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी है। और ये तो खुदा ने खास्ता, ये तो फॉर्चुनेटली इट इज द सेम एज लिगेंड नंबर। तो लिगेंड नंबर भी कितना है? टोटल नंबर ऑफ लिगेंड, दोनों सेम ही आ गया इसमें, इज इक्वल टू ऑल्सो कितना आ गया? 6। आए बात सुन ऐसे। अब एक और एग्जांपल देता हूं, देखिए CuEn का होल ट्वाइस और यहां पे लिखा +2 और इसके अंदर पूछा है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड नंबर ऑफ लिगेंड्स। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड नंबर ऑफ लिगेंड्स, आपको ये पूछा है। तो देखिए इसके अंदर नंबर ऑफ लिगेंड तो कितने हैं, आप बोल सकते हैं, तुरंत आंसर आपको आना चाहिए कि ये जो नंबर है वो क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हो गए? 2। और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कितने हो गए, या कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस मेटल कितना हो गया? तो कोऑर्डिनेशन नंबर, एक इथाइलिन डायमीन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, तो 2 इथाइल लीले मिले मतलब कितना हो गया? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। ये बात समझ लेना, इट्स इंपॉर्टेंट। आया बात समझ? इस तरीके से अपन करते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर जज, किसी भी कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ लिगेंड जज। अब मैं कुछ सर्टेन मेटल्स के जो मैक्सिमम टाइम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, उन वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है या कितना कोऑर्डिनेशन नंबर रख सकता है, वो फिक्स होता है, तो वो आप याद रखेंगे हमेशा, आपको फ्यूचर में जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो काम आता है, तो वो लिख लेंगे, एक टेबल की टाइप में है, वो हमेशा ध्यान रखेंगे कि कॉपर 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर रखता है, 4 भी रख सकता है, 6 भी, तो 4 और 6। पैलेडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना रखता है, प्लेटिनम कितना रखता है, क्रोमियम कितना रखता है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना रखता है, एक टेबल बना रहा हूं, वो आप याद रखेंगे, उस मेटल की प्रॉपर्टी है वो कि वो इतना ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। है बात सुन, तो लिखेंगे उसके लिए, ये उतार लिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ मेटल आयंस हैं, मेटल्स हैं जो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर रखते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। मैंने एग्जांपल लिखे हैं, ये मेटल और कोऑर्डिनेशन नंबर, ये मेटल और कोऑर्डिनेशन नंबर, ये रखे हैं। अब देखिए इनमें से मैंने मेटल इस साइड रखे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ये इस मेटल
पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इतना कोऑर्डिनेशन नंबर रख सकता है, जैसे सिल्वर प्लस हमेशा दो कोऑर्डिनेशन नंबर रखेगा, इसी तरीके से गोल्ड प्लस दो ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा, प्लेटिनम प्लस, पैलेडियम प्लस टू एंड प्लेटिनम प्लस टू हमेशा हमेशा फोर कोऑर्डिनेशन नंबर रखेगा, ये इंपॉर्टेंट करने ला ऑलवेज। प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्लेटिनम और प्लेडियम हमेशा फोर ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है ऑलवेज। और इसका मतलब ये जो ब्रैकेट लगाया है नीचे जो है, इन ब्रैकेट का मतलब है दिस काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर रेयर, ब्रैकेट का मतलब है ये इंडिकेट करता है कि जिंक 2 प्लस के अंदर 6 रखता है, लेकिन बहुत कम आपको मैक्सिमम किसमें मिलेगा 4 के अंदर। तो पैलेडियम और प्लेटिनम हमेशा किसमें रहता है, प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनाता है 4। इसी तरीके से गोल्ड 3 प्लस के अंदर 4 भी हो सकता है और 6 भी, जिंक 2 प्लस 4 भी हो सकता है 6 भी, लेकिन मैक्सिमम टाइम 90% टाइम आपको 4 ही मिलेगा। कैडमियम 2 प्लस 4, मर्करी 2 प्लस 4, रेयरली 3 होता है। प्लेटिनम, अब देखिए प्लेटिनम प्लस 4 और प्लेडियम प्लस 4, इसके अंदर 6, ये भी ऑलवेज करना, बात को समझना है। ऑलवेज आया कोबाल्ट 3 प्लस, क्रोमियम 3 प्लस, आयरन 3 प्लस ऑलवेज विल हैव दैट 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, सिमिलर टू दिस कोबाल्ट प्लस 2, क्रोमियम 2 प्लस, आयरन 2 प्लस, 6 कैन बी हैविंग 6 और 4 दोनों रख सकते हैं। निकल 2 प्लस 4 और 6, मैग्नीज 2 प्लस 4 और 6, आयरन 0 के अंदर 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर सॉरी, टाइटेनियम 2 प्लस के अंदर 4 और 6, स्कैंडियम के अंदर 6, स्कैंडियम 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हमेशा कितना बनाएगा 6, वेनेडियम 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर 4 भी हो सकता है और 6 भी, इसी तरीके से गोल्ड 2 प्लस, स्कैंडियम 2 प्लस, गोल्ड 2 प्लस 2 और स्कैंडियम 2 प्लस 6 और सिल्वर प्लस 2, जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बता दिया। और मैंने इन्हीं चीजों को किस तरीके से एग्जांपल में बताया वो देखेंगे। हालांकि मैंने अभी तक आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया नहीं है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग यू अंडरस्टैंड दैट किस तरीके से कोई भी मेटल कितने लिगेंड से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू जुड़ सकता है। आयरन 3 प्लस, मैंने आयरन 3 प्लस का एग्जांपल लिखाया था आपको, आयरन 3 प्लस कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है 6। अगर आयरन 3 प्लस EDTA के साथ जुड़ेगा, EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ये बनाया 6। EDTA के ऊपर माइनस चार्ज होता है, ओवरऑल चार्ज आ गया -1, क्योंकि +3 इसके -3 को न्यूट्रल कर दिया, -1। मतलब ये आयरन एक EDTA के साथ जुड़ा है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इस आयरन का 6, क्यों? क्योंकि EDTA के अंदर आप देख लेना 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने EDTA के अंदर हेक्साडेंटेड, मैंने पॉलीडेंटेड के अंदर लिखाया था और बोला था 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं डोनर करने वाले, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने वाले, और 2 नाइट्रोजन होते हैं। इसी तरीके से प्लेटिनम प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हमेशा 4 कोऑर्डिनेशन, इसीलिए 4 अमोनिया जुड़ा है। अगर बाइडेंटेड लिगेंड होता तो 2 ही जुड़ता, इथाइलिन डाइमिन के साथ रिएक्शन करवाता है तो 2 ही जुड़ता, लेकिन 4 कॉम्प्लेक्स होना है। इसी तरीके से कोबाल्ट 3 प्लस कितना ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर रखता है, कोबाल्ट 3 प्लस 6, 3 इथाइलिन डाइमिन, क्यों? क्योंकि एक इथाइलिन डाइमिन 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, कोबाल्ट इथाइलिन डाइमिन 3 कोऑर्डिनेशन प्लस 3, बात सुने। ये हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर। इससे कभी कभी क्वेश्चन आता है कौन सा कॉम्प्लेक्स फिजिबल है कौन सा नहीं है, वी विल प्रैक्टिस दैट इन कमिंग डेज। आया, आपको बहुत ही अच्छे से करना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लॉजिकल। आया, बात सुने, इतना करिए, थैंक यू वेरी मच।